3 घंटे से ज्यादा समय के लिए चली, और ये अपने में ही दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी कोरोना वायरस जैसी इस महामारी को लेकर चिंतित हैं, गंभीर हैं। उन्होंने हर राजनीतिक दल से उनके सुझाव मांगे, उनसे जानकारी ली कि किस तरीके से हम लोग इस कठिन परिस्थिति का हम लोग समाधान ढूंढ सकें। इसी क्रम में मेरी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना, जो कि खास तौर पर गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के लिए लाभकारी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि खाद्य मंत्री हैं, जिस तरीके से वो इस योजना को लेकर आए हैं, जहां पर आप जितने भी PHH और अंत्योदय के जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं, उनको अपने मिल रहे राशन के अलावा उसके अतिरिक्त उनको 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जिस तरीके से केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, मुझे लगता है ऐसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए ये काफी लाभकारी है। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचे, ताकि कोई भी इस जानकारी के अभाव में इसके लाभ से वंचित ना रह सके। लॉकडाउन को भी लेकर हम लोगों ने सुझाव दिए कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र माध्यम है इस महामारी से बचने का। जरूरत पड़े तो इस लॉकडाउन को और लंबे समय तक बढ़ाना चाहिए, जब तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं होती। पूरी बैठक बहुत ही सकारात्मक परिवेश में ये पूरी बैठक चली, हर किसी ने बहुत पॉजिटिवली अपने सुझाव दिए, हर किसी ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कठोर कदमों को उन्होंने सराहा। जिस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, या उसके बाद एक के बाद एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा फैसले लिए गए, हर राजनीतिक दल ने राजनीतिक दलों से उठकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के इस कदमों की सराहना की, और भविष्य में भी प्रधानमंत्री जी का इसी तरीके से मजबूती से साथ देने का वादा किया। मैं खुद अपनी पार्टी की तरफ से पुनः इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस मजबूती से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, भविष्य में भी इस महामारी से निपटने के लिए जो भी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी उठाएंगे, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से उनके हर फैसले के साथ रहेगी। धन्यवाद।